आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर से। देश में कोरोना के मामलों के साथ संक्रमण दर तेजी से घट रही है, लेकिन मौतों का आंकड़ा अभी भी डरा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में 959 मरीजों की मौत हुई है। इससे एक दिन पहले 893 मरीजों की मौत हुई थी। यानी 24 घंटे में ही मौतों का आंकड़ा 7.3% बढ़ गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 10 दिनों में कोरोना से 6,654 मरीजों की मौतें हो चुकी हैं। हर दिन औसत 650 मरीजों की मौत हुई है। हालांकि अभी तक मौतों का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि मौतें उस समय की हैं जब कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़त हो रही थी। इसलिए माना जा सकता है कि मौतों के ग्राफ में गिरावट आने में कुछ समय और लग सकता है। बता दें कि भारत में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। सोमवार को 2.09 लाख केस सामने आए। इससे पहले रविवार को 2,34,281 नए मामले सामने आए थे। तो कोरोना के मामलों में तो कमी देखने को मिल रही है, लेकिन कोरोना से मौत के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना के मामले तो घट रहे हैं, लेकिन मौत के मामले कम होने में अभी कुछ समय लगेगा। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन उसमें कमी दर्ज की जा रही है, क्या कहेंगे? जी शिखा, आपको बता दें कि देश में जो कोरोना के आंकड़े हैं उनमें कमी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन देश अभी भी कोरोना की चपेट में है। आज भी जो ताज़ा आंकड़े आए हैं उनके अनुसार देश में 2,09,000 से अधिक मामले कोविड के सामने आए हैं। जी, और जिस तरह से मौतों के आंकड़े बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये डराने वाले, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं लेकिन मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? वैज्ञानिकों का क्या कहना है? जी शिखा, देखिए, इनमें से कई सारी मौतें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं जो कोरोना से संक्रमित होने के बाद लोगों की जो इम्यूनिटी कम हो जाती है, वहीं जिन लोगों को और भी कई अन्य बीमारियां होती हैं, खास करके दिल की या फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, कहीं ना कहीं ये जो बीमारियां हैं वो कोरोना के साथ मिलकर और घातक हो जाती हैं। और इनमें से जो, जैसे आज जो तकरीबन 960 मौतें जो देश भर में आज दर्ज की गई, उनमें से कई सारी ऐसी मौतें हैं जो कहीं ना कहीं दोनों कारण, यानी कि जो आदमी की पहले की जो बीमारियां रहती हैं जैसे दिल की या फेफड़े की, साथ ही साथ कोरोना की जो बीमारियां हैं उनको लेके देखी जाती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सहयोगी अभिषेक जुड़े थे। तो कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से इम्यूनिटी कम हो रही है लोगों की, तो उसको देखते हुए लगातार वैक्सीनेशन बढ़ाया जा रहा है और अब बूस्टर डोज भी शुरू कर दी गई है, ताकि लोग जो संक्रमण है उसको हरा सके और उनकी इम्यूनिटी लगातार बढ़ सके। तो 10 दिन में 6,654 मरीजों की मौत हुई है और ये बता रहा है कि एक बार फिर मौतों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन कोरोना के मामले लगातार कम होते नजर आ रहे हैं। तो ये डरने वाली बात नहीं है, एक राहत की बात है, क्योंकि कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और माना जा रहा है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन तेज होगा, लोगों की जो डर है, जो इम्यूनिटी है, वो बढ़ जाएगी, डर कम हो जाएगा और जो मौत के आंकड़े हैं उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। यूपी में बीजेपी के प्रचार को धार देने के लिए आज पीएम मोदी ने पहली वर्चुअल रैली की। 5 जिलों के 21 विधानसभा क्षेत्रों में उनके भाषण का प्रसारण हुआ। जिन 5 जिलों को रैली से संबोधित किया गया उनमें गौतम बुद्ध नगर, मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और शामली शामिल है। इसके लिए लखनऊ में वर्चुअल रैली का स्टूडियो और कंट्रोल रूम भी तैयार किया गया। वहीं आगरा में सीएम ने प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ सोमवार को आगरा के फतेहपुर सीकरी, एतमादपुर और फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। तो वहीं किरावली, समसाबाद और आंवल खेड़ा में मतदाताओं को रिझाने के लिए छोटी सभाएं भी आयोजित की गई। मतदाताओं से संवाद के अलावा वो घर घर जाकर वोट भी मांगते नजर आए। और बता दें कि विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 10 फरवरी को जिले की कई सीटों पर
चुनाव है और जिसको देखते हुए प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। चुनावी प्रचार में लगातार बीजेपी जुट गई है, पूरी जी जान फूंक रही है और जिस तरह से पीएम मोदी ने आज वर्चुअली जनता को संबोधित किया और साथ ही चुनाव प्रचार में उतरे हुए योगी आदित्यनाथ भी नजर आए। इस खबर पर मैं ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, जिस तरह से ताबड़तोड़ रैलियां करी जा रही थी और अब डोर टू डोर कैंपेन करे जा रहे हैं, इसका क्या असर देखने को मिलेगा? जी, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश विधानसभा के दौरान जो वर्चुअल रैली का दौर शुरू होने वाला था वो आज से प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से किया गया है। इस जो डिजिटल रैली है इसको पीएम की चौपाल नाम दिया गया है। इस रैली में प्रधानमंत्री तमाम जिलों के जो विधानसभाएं हैं वहां के प्रत्याशियों के लिए डिजिटली तरीके से प्रचार करेंगे और साथ ही साथ जो अभी विगत कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश भाजपा कार्यालय की तरफ से जो डिजिटल वैन भेजे गए थे उसको उन विधानसभाओं में भेजा जा रहा है और इसके जिससे पीएम मोदी की जो रैली है, जो डिजिटल रैली है, उस डिजिटल माध्यमों पे दिखाया जा रहा है। साथ ही साथ टीवी का भी सहारा लिया गया है और वही डिजिटल जो गाड़ियां निकली है इसकी कंट्रोल रूम भी बनाए गए हैं। इस कंट्रोल रूम को लखनऊ से संचालित किया जा रहा है। जी शिखा, विभाषी, जिस तरह से सीएम योगी भी जमीनी स्तर पर उतरे हैं, आगरा में आज उन्होंने एक कार्यक्रम में शिरकत की और जनता से चर्चा की, क्या कहेंगे, क्या कुछ कहते हुए नजर आए? जी, आज योगी आदित्यनाथ की तरफ से आगरा से जन जो मतदाता संवाद है उस कार्यक्रम का आज से आयोजन किया गया जिसमें साफ तौर पे वो विपक्ष को घेरते हुए दिखे और उन्होंने कहा कि लाल टोपी दंगों की दाग से वो सनी हुई है। तो उनका साफ तौर पे समाजवादी पार्टी का इशारा था। और वहीं अगर बात करें पिछले चुनाव की तो पहले चरण में 11 जिले की 58 विधानसभा सीटों पे चुनाव होने हैं और वहीं अगर पिछले चुनाव की बात करें तो 58 सीटों में से 53 सीटों ने पे भाजपा जीत हासिल की थी। वहीं बसपा के खाते में 2 और सपा के खाते में 2 और आरएलडी के खाते में 1 आई थी। वहीं अगर बात करें तो पिछली बार जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें खास तौर पे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश था उसमें काफी मजबूती से भाजपा प्रदर्शन की और सरकार बनाने में जो साबित हुई वो उसे साफ तौर पे विशेषज्ञों का कहना था कि ये उत्तर प्रदेश की विजय रथ की चाबी है। जी जी विभांशु, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को साधने के लिए पूरी रणनीति तैयार हो गई है, एक व्यू रचना की गई है और सारे जो बड़े बड़े दिग्गज नेता है वो जमीनी स्तर पर उतर रहे, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, तो बड़े नेताओं को पश्चिम की ओर उतारने का क्या मकसद नजर आ रहा है बीजेपी का? जी शिखा, अगर बात करें तो पश्चिम में आपने देखा कि किसान आंदोलन जो 7-8 महीने जो प्रदर्शन चलता रहा और साल भर से ऊपर किसान आंदोलन चला जिसमें पश्चिम के अंदर में जो गन्ना किसान है उनकी खास पंचायती हुई और खास तौर पे आपने देखा कि जयंत चौधरी आरएलडी जो पार्टी के अभी जो बड़े नेता हैं और संस्थापक जो उनके हैं उनके पुत्र हैं उनकी तरफ से खाप पंचायतों में आपने देखा कि कैसे जन सैलाब उमड़े और जो जनाधार था आरएलडी का वो पिछले 2 विधानसभा चुनावों से काफी अच्छा प्रदर्शन है। और वहीं अगर बात करें तो आरएलडी की तरफ से इस बार लगभग जो भी सीटों पर प्रत्याशी उतारे गए हैं उसमें कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी शिखा, विभाषु, जिस तरह से प्रदर्शन देखने को मिला किसानों का तो इससे काफी कुछ डैमेज हुआ है, तो क्या इसे डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है बीजेपी, क्या यही वजह है कि बड़े बड़े चेहरों को उतारा जा रहा है? और अगर बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में तो इतना कुछ देखने को मिला है, तो पूरब में क्या कुछ चल रहा है? जी, अगर हम बात करें पश्चिम की तो पश्चिम में इस बार पूरा भाजपा की तरफ से डैमेज कंट्रोल जो है उसको पूरा साधने की और अपने तरफ चुनाव के परिणाम लाने के लिए हर एक संभव प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें आपने देखा कि जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा उनके तरफ से डोर टू डोर का कैंपेन की शुरुआत कैराना से की गई जिसमें साफ तौर पर पलायन के मुद्दे को उठाया गया। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज आगरा में जन संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं प्रधानमंत्री की चौपाल नाम से डिजिटल जो रैली है उसकी भी शुभारंभ की गई और आप देख रहे हैं कि वहां जो शीर्ष नेतृत्व है चाहे वो प्रदेश की हो चाहे वो केंद्रीय राजनीति की हो वो
पूरा पश्चिम में पहुंच गया है। वहीं जयंत चौधरी को अपने खेमे में लेने के लिए वहां के जाट नेताओं से उन्हें उनके साथ संपर्क साधा, जिसमें साफ तौर पे जयंत भाजपा के साथ नहीं आना चाहते और उस पर बयान भी दे चुके हैं कि अगर आप हमें साथ लाना चाहते हैं तो उन 700 किसान जो किसान आंदोलन में शहीद हुए उन्हें शहीद का दर्जा दे और उन्हें वापस लौटाए तो मैं आ जाऊंगा। तो भाजपा पूरी तरह से पश्चिम में मजबूत होने के लिए, मजबूत अपना वहां पे अपने अपने आप को मजबूत करने के लिए हर एक भरसक प्रयास कर रही है। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो सीधे तौर पर डैमेज कंट्रोल में लगी हुई है बीजेपी और किसानों का समर्थन चाहती है, क्योंकि जिस तरह से किसानों का प्रदर्शन देखने को मिला तो उस तरह से काफी नाराज भी नजर आए किसान। लेकिन जो समर्थन है किसानों का वो काफी अहम है, वो बीजेपी हो या फिर सपा, दोनों के लिए काफी अहम है और दोनों ही किसानों को साधने में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी प्रचार शुरू हो गया है। चुनावी प्रचार में आज खुद पीएम मोदी भी उतरे हुए नजर आए, जहां वर्चुअल माध्यम से उन्होंने जनता को संबोधित किया, वर्चुअल रैली को संबोधित किया। और वहीं सीएम योगी भी आगरा में नजर आए और मतदाता संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। रुक करते अगली खबर की तरफ। सपा मुखिया अखिलेश यादव पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। करहल की सीट इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव की हॉट सीट बन गई है। करहल में सपा के वर्तमान विधायक सोब्रत सिंह हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। सैफई से सोमवार की सुबह नामांकन दाखिल करने के लिए जब अखिलेश निकले तब जगह जगह उनका कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। अखिलेश यादव करहल कस्बा होते हुए मैनपुरी पहुंचे, विजय रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। अखिलेश यादव ने रास्ते में खड़े होकर कार्यकर्ताओं को हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार किया। नामांकन कक्ष में दाखिल अखिलेश यादव के साथ प्रोफेसर राम गोपाल यादव और मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप यादव भी मौजूद रहे। बता दें कि अखिलेश ने नामांकन के लिए निकलने के समय एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि ये नॉमिनेशन एक मिशन है, क्योंकि यूपी का ये चुनाव प्रदेश और देश की अगली सदी का इतिहास लिखेगा। वहीं सकारात्मक राजनीति को भी बताया, उन्होंने कहा कि प्रोग्रेसिव सोच के साथ सकारात्मक राजनीति के इस आंदोलन में हिस्सा ले, नकारात्मक राजनीति को हराएं और हटाएं भी। वहीं सीट से यानी मैनपुरी की करहल सीट से भाजपा ने भी अपना प्रत्याशी जहां उतारा है तो वो कोई और नहीं बल्कि एसपी सिंह बघेल है, जिन्होंने भी अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। और इस खबर से हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़ चुके हैं। नितिन, जिस तरह से ये सीट हॉट सीट बनती जा रही है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट, क्या कहेंगे, कितना जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री हैं तो वहीं दूसरी तरफ एसपी सिंह बघेल। देखिए शिखा, अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने करीब 12 बजे अपना जो नामांकन है वो दाखिल कराया है, और उस दौरान ये लग रहा था कि बीजेपी की तरफ से लगभग किसी भी प्रत्याशी को फाइनल नहीं किया गया है। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। एसपी सिंह बघेल, जो कि आगरा से सांसद हैं बीजेपी के और केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, उन्होंने इसी सीट पर अखिलेश यादव के खिलाफ अपना जो पर्चा है, अपना जो नामांकन है वो दाखिल किया है। एसपी सिंह बघेल राजनीति में आने से पहले पुलिस विभाग में रहे थे, इंस्पेक्टर थे वो, और वो मुलायम सिंह यादव के सुरक्षा में रह चुके हैं, पीएसओ रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव के, और अब एसपी सिंह बघेल अखिलेश यादव के खिलाफ चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। 2000 जो विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में हुआ था 2017 का, उसमें एसपी सिंह बघेल बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे, विधायक बने थे, और उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री भी थे। और उसके बाद 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो एसपी सिंह बघेल ने आगरा सीट से अपनी चुनावी यात्रा एज अ सांसद के रूप में शुरू करी, और वो सांसदी जीत करके दिल्ली पहुंचे थे, और केंद्र में राज्य मंत्री का दर्जा भी उन्हें दिया गया था, वो राज्य मंत्री भी हैं। लेकिन उसके बाद आज इस पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट तब आ गया जब वो अखिलेश यादव के खिलाफ अपना पर्चा दाखिल करने के लिए जो मैनपुरी का कलेक्ट्रेट है वहां पर पहुंचे थे, और उन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया है। लेकिन इस लड़ाई को अब कहीं ना कहीं एक अहम रूप से इसलिए देखा जा रहा है क्योंकि एसपी सिंह बघेल
अपने में एक बड़ा नाम है, और लेकिन जिस सीट पर हम लोग बात कर रहे हैं वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रही है। मुलायम सिंह यादव वहां से पहले चुनाव लड़ते आए हैं, जीते भी हैं मुलायम सिंह यादव, और इस बार अखिलेश यादव ने भी उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अपना जो नॉमिनेशन है वो फाइल किया है सीट को लेकर के। यहाँ पर जो यादवों की संख्या है वो करीब 38% है, इसके अलावा 7 से 8% मुस्लिम वोट बैंक है। तो जाहिर सी बात है अगर ओबीसी और मुस्लिम वोट बैंक समाजवादी पार्टी के खेमे में आता है, गिरता है, तो अखिलेश यादव की जीत पक्की है। लेकिन बीजेपी ने जिस तरह से दांव यहाँ पर खेला है एसपी सिंह बघेल को उतार करके, उससे ये उम्मीद लग रही है कि अब यहाँ पे जो लड़ाई है वो थोड़ी बहुत जरूर जो टक्कर वाली है वो होने वाली है। जी नितिन, जिस तरह से ट्वीट भी किया अखिलेश यादव ने नॉमिनेशन से पहले, उन्होंने लिखा कि नॉमिनेशन ये एक मिशन है, तो इसको मिशन बता रहे हैं, तो आखिर कहना क्या चाहते हैं अखिलेश? देखिए अखिलेश यादव ने जिस जहां पे नॉमिनेशन आज किया है तो उन्होंने ट्वीट किया था कि ये नॉमिनेशन नहीं मिशन है, और उनका ये जो ट्वीट है अपने नॉमिनेशन के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर उन्होंने अपने इस ट्वीट को इंगित किया है। उन्होंने कहा है कि हमारी जो लड़ाई है वो उत्तर प्रदेश की सत्ता को हिलाने की है और एक बार फिर से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने की है, उसको लेकर के ये ट्वीट किया है। और शिवपाल सिंह यादव ने भी इससे थोड़ी देर पहले एक ट्वीट करके अखिलेश यादव को बधाई दी है। उन्होंने कहा है प्रिय अखिलेश को बहुत सारी बधाइयां, उन्होंने अपना आज अपना नॉमिनेशन जो है वो फाइल किया है। अखिलेश यादव जब नॉमिनेशन फाइल करने के लिए जा रहे थे तो अपने विजय रथ में सवार थे, और मौजूदा जो विधायक है इस सीट से वो भी अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे। इसके अलावा तेज प्रताप यादव जो कि पूर्व सांसद रह चुके हैं मैनपुरी के, वो अखिलेश यादव के साथ मौजूद थे, और बड़ी संख्या में जो कार्यकर्ता थे अखिलेश यादव को देखने आए थे वो सब भी इस दौरान पूरे काफिले में चलते हुए आए थे। और उसके बाद अखिलेश यादव कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कराया, ट्वीट किया कि ये नॉमिनेशन नहीं एक मिशन है, और इस मिशन के तहत ही उत्तर प्रदेश में वो चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है। जी बिल्कुल, जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता नितिन कुमार जुड़े थे। तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है जहां आज सपा मुखिया ने भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया, अखिलेश यादव ने अपना नामांकन दाखिल किया है, तो वहीं बीजेपी की तरफ से एसपी सिंह बघेल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया है। तो दोनों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, जहां एक तरफ सपा की मजबूत सीट है, मजबूत सीट मानी जाती है, तो वहीं ये देखना भी दिलचस्प होगा कि आखिर एसपी सिंह बघेल को कितना समर्थन मिलता है जनता का। रुक करते अगली खबर की तरफ। कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों की 5वीं लिस्ट जारी कर दी है। यूपी छोड़ने की बात करने वाले शायर मुनव्वर राणा की बेटी को भी टिकट दिया गया है। सुहेल देव समाज पार्टी की तरफ से आज 5 प्रत्याशियों का नाम घोषित कर दिया गया है। वहीं कांग्रेस की तरफ से 6 प्रत्याशियों के नाम पर मोहर लगाई गई है। सुभाषपा के 5 MLA सीटों की सूची भी सामने आ गई है। ओपी राजभर जहूराबाद से और उनके बेटे को शिवपुर से चुनाव लड़ाने की योजना भी चल रही है, तो दोनों की सूची जारी कर दी गई है। ओपी राजभर उनके बेटे भी चुनावी मैदान में नजर आएंगे, तो वहीं कांग्रेस ने भी अपनी सूची जारी कर दी है, और इस लिस्ट में 6 उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं जिसमें से एक मुनव्वर राणा की बेटी का नाम भी शामिल है। और इस खबर में हमारे ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, 2 बड़े नाम सामने आ रहे हैं, जहां एक सुहेल देव समाज पार्टी की तरफ से 5 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है, तो वहीं ओपी राजभर और उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं कांग्रेस से जो लिस्ट सामने आई है उसमें मुनव्वर राणा की बेटी का नाम भी सामने आया। तो ये दिलचस्प 2 जो जारी हुई है सूची, क्या कहेगी इस पे? जी, अगर बात करें तो सुहेलदेव समाज पार्टी की तरफ से आज 5 प्रत्याशियों का नाम घोषणा किया गया। तो आपको बताना चाहेंगे गाजीपुर के जहूराबाद से जो ओम प्रकाश राजभर है, जो पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका नाम पार्टी के की तरफ से डिसाइड किया गया है, चिन्हित किया गया है। वही वाराणसी के शिवपुर से श्री अरविंद राजभर जो कि ओम प्रकाश राजभर के पुत्र है उनको उतारा गया है। वही आपकी हरदोई के संडीला से सुनील कुमार अकरवंशी को उतारा गया है। वहीं बहराइच के बल्ला से ललित हरेंद्र पासवान को उतारा गया है। वहीं सीतापुर से मिश्रिक विधानसभा से श्री मनोज कुमार राजवंशी को उतारा गया है। वहीं अगर बात करें तो ओम प्रकाश राजभर के
शिवपुर से लड़ने के कयास लगाए जा रहे थे, अब लगभग तय हो गया था, मगर जहूराबाद की जनता अनशन पे बैठती है और ओम प्रकाश राजभर से ये कहती है और इस चीज को मांग करती है कि आप अपनी पुरानी सीट जो जहूराबाद है वहीं से लड़े, ना कि शिवपुर जाए। जी शिखा जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विभांशु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। तो शहर मुनव्वराड़ा की बेटी को भी कांग्रेस से टिकट दिया गया है। तो वहीं अगर बात करें सुभाषपा से, तो वहां से पार्टी प्रमुख और उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे। 4 बजे की 4 बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।